सभी को जोहार। आज हमारे सुरगुजा प्रांत में ईसाई आदिवासी महासभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन टी लिस्टिंग के विरोध में था। आप देख सकते हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों को अपने पारंपरिक पोशाकों में नृत्य करते हुए, काफ़ी खूबसूरत नृत्य करते हुए। आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पीछे खड़े हैं, मछली को आ जाएंगे पर्याप्त सारे आप आराम से देख सकते हैं।
भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हाय हाथ नीचे किरण। हमारी एक दीदी ने मोनिका को खोजने कहा कि हम जब तक चिल्लाएंगे तब तक वो चुप नहीं। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है और एक समय में जिस चीज के लिए हम पूरे मैदान भर के जमा हुए थे, अगर अगली बार जरूरत पड़ी तो हम उसी तरह जमा होके उसका रैली में शामिल होंगे, सभी वहाँ उपस्थित होंगे और हमारे सभा को अभी हम लोग सब रैली की ओर लेके लिए जा रहे हैं। मैं हार्दिक आभारी हूँ, मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ वे शांति व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था में लगे सभी पुलिस कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमारे साथ जब से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है 10 बजे से यहाँ अपनी ड्यूटी हमें प्रवेश दिया है। ये पीजी ग्राउंड है, प्रशासन के लोग मुस्तैद के साथ आए हुए हैं। ये हमारा जुलूस जा रहा है। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, अच्छा मौसम हो गया है, धूप नहीं है। हाँ ये है अम्बेडकर चौक और ये है भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब हमारा ये जुलूस घड़ी चौक की ओर जा रहा है। हाँ
ये देखिए हम लोग का जोश जुनून, आदिवासी एकता जिंदाबाद। ये है घड़ी चौक और यहाँ पर हमारा ज्ञापन सौंपा जाएगा, तो लोग यहाँ पर आ गए हैं कि राष्ट्रपति के को दिया जाएगा, कलेक्टर को दिया जाएगा पहले, ताकि वह राष्ट्रपति के नाम भेज दिया जाएगा। और ये रहा हमारा जुलूस। गरीब विश्वासियों से निवेदन है, डिसिप्लिन को विशेष ध्यान देंगे, डिसिप्लिन को विशेष ध्यान देंगे, लाइन में रहेंगे, लाइन में। तो यही पहचान है, डिसिप्लिन ही पहचान है, डिसिप्लिन। साजिश का पर्दाफाश आज हो रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो भाई लोगों को बरगला करके जो जिन लोगों को बोल रहे हैं कि ये आप आदिवासी लोगों को जो धर्म परिवर्तन किए हैं उनको ये आदिवासी का हाथ में भी लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग षड्यंत्र कैसे कर रहे हैं उनको बरगला रहे हैं। और अभी हम लोग हमारे जो आदिवासी भाई लोग हैं जो सर्रा और जो मानते हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और वो हमारे भाइयों को हम ही लोगों से लड़ा रहे हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। अभी हम लोग जिला स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं, अब हम लोग ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करेंगे और गांव स्तर पर जाएंगे। लिस्टिंग कार्ड तो लोग नहीं जानते हैं, उसी का फायदा जो लोग जो बाहर जो बैठे हैं कुछ लोग, जैसे आज अभी हमारे मंच पे आप बोलेंगे कि संतरा का बगीचा में बैठा है कोई, चौथी पास है वो, इशारा में बहुत सारा चीज़ों को आज बोले हैं और समय आएगा तो हम लोग नामजद बोलेंगे। हम लोग उससे बात करेंगे जो डी लिस्टिंग के लिए जिन लोगों का हमारे गाँव से लोगों को लाए थे उन लोग को पता नहीं, वो लोग बोले कि हम लोग रैली में जा रहे हैं और कई तरह तरह की बातें होती। तो अभी हम हमारे जो आदिवासी भाई हैं हमारे किसी भी धर्म में जाने से उनको कोई नुकसान नहीं है और हमारे किसी धर्म में आने से उनको भी नुकसान नहीं, हमको भी नुकसान नहीं है। और इस देश में किसी भी धर्म को मानने के लिए आदमी स्वतंत्र है और संविधान अधिकार है। पीछे से जो आ रहे हैं थोड़ा साइड हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जयपाल सिंह मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जयपाल सिंह मुंडा अमर। सभी देख सकते हैं काफ़ी बड़ी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं डिलिस्टिंग का विरोध करने के लिए और ये सभी ईसाई आदिवासी हैं जो कि डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। और इस प्रकार से आज का हमारा धरना प्रदर्शन सफल रहा, ये भीड़ और आगे तक जाएगी। आपका हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद।